क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश ग्रामर निकालिए। नाउंस जेंडर, स्टार्ट करते हैं। द जेंडर ऑफ अ नाउन टेल्स अस whether it is masculine, feminine, common or neuter. Gender of a noun, एक noun का gender हमें क्या बताता है कि वो noun क्या masculine है, feminine है या फिर neuter है. Masculine gender क्या होता है, जिसमें किसी boy या किसी man की बात हो रही हो या फिर किसी मेल की बात हो रही है, जिसमें आदमी या मेल एनिमल भी हो सकता है, मेल की बात हो रही हो। लेकिन अगर फेमिनिन जेंडर है तो फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर यानी कि किसी गर्ल या वुमेन या महिला। तो जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो पुरुषों की बात होगी, लेकिन जो फेमिनिन जेंडर होगा वो स्त्रियों की बात होगी। फिर कॉमन जेंडर, कॉमन यानी कि दोनों में आएगा और न्यूटर यानी कि चीजें। तो देखते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स क्या है। तो अनीता हैज अ सन, तो अनीता हैज अ सन, तो जो सन है, सन का मतलब क्या होता है, बेटा, एस ओ एन, सन मतलब बेटा। तो बेटा क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन या फेमिनिन, बेटा मैस्कुलिन में आएगा क्योंकि बेटा एक बॉय है। ठीक, फिर लक्ष्य इज माय एल्डर ब्रदर, तो ब्रदर भी लड़का ही होता है। ब्रदर अगर हम बोलेंगे तो किसी लड़के की ही बात हो रही है ना, तो ब्रदर किसमें आ जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। किसमें आएगा ब्रदर, मैस्कुलिन जेंडर में। द किंग वॉज वाइज एंड काइंड, गुड मॉर्निंग मैम। तो किंग, द किंग, गुड मॉर्निंग, किंग यानी कि राजा, तो राजा पुरुष है, तो पुरुष के लिए कौन सा जेंडर यूज होगा, मैस्कुलिन जेंडर यूज होगा। द लायन रोड एट द पीपल, लायन रोड, रोर यानी कि जो दहाड़ मारता है, गरजता है, एट द पीपल, लोगों पर। तो द लायन, लायन रोर करता है लोगों पर। तो इस वाक्य से ही पता चलता है कि लायन जो है वो मैस्कुलिन जेंडर। फिर सन, ब्रदर, किंग एंड लायन आर बिलोंग टू ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जो सन है, सूरज, लायन, शेर, ब्रदर, भाई, किंग, राजा, ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स से। तो ही यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। नाउंस दैट रिफर्स मेल्स, मेल्स यानी कि पुरुष, पुरुष आदमी लड़का कोई भी हो सकता है, जानवर में भी मेल और फीमेल होते हैं ना। तो नाउन दैट रिफर्स टू मेल्स आर सेड टू बी ऑफ ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। जिस भी नाउन से हमें ये पता चले कि उस नाउन में किसी आदमी या किसी लड़के या किसी जानवर में मेल, मेल की बात हो रही है, वो नाउन क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। और ऐसे वर्ड्स, जिन वर्ड्स से ये पता चले कि उसका जेंडर क्या है, वो वर्ड्स किस ग्रुप में आएंगे, ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ही आपको पता है, ही लड़के या बॉय के लिए यूज होता है, तो ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वही वर्ड्स आते हैं जिनसे हमें नाउन के जेंडर का पता चलता है। और कौन से जेंडर का, मेल जेंडर का, मेल यानी कि लड़का या आदमी। फिर माय ग्रैंड मदर इज अ वंडरफुल कुक, मेरी दादी माँ एक बहुत ही वंडरफुल कुक है, मेरी दादी माँ बहुत अच्छी कुक है। तो दादी माँ मैस्कुलिन है कि फेमिनिन, दादी माँ फेमिनिन जेंडर में आएगा ना, क्योंकि दादी माँ तो फीमेल है, लेडी है ना वो, तो हमेशा लेडी जो होगी या औरत या लड़की या कोई भी फीमेल जानवर जो होगा
वो शी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएगा. तो दादी माँ फेमिनिन जेंडर है. फिर सुरभि इज अ पुलिस मैन, पुलिस वुमेन. हाँ तो सुरभि इज अ पुलिस वुमन. वुमन क्या होता है? वुमन मतलब औरत, मैन मतलब आदमी, वुमन मतलब औरत. तो सुरभि इज अ पुलिस वुमन. तो पुलिस वुमन से हमें पता चल रहा है ना कि पुलिस वुमन एक महिला की बात हो रही है ना, एक लड़की की बात हो रही है. सुरभि इज अ पुलिस वुमन. तो पुलिस वुमन वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, किस जेंडर का? फेमिनिन जेंडर का. सब लोग ध्यान इधर ही देंगे. फिर नेक्स्ट क्या है? द प्रिंसेस लुक्ड ब्यूटीफुल इन द ब्लू गाउन. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? प्रिंसेस ब्लू गाउन में बहुत ही सुंदर लग रही है. तो प्रिंसेस से हमें पता चल गया है कि प्रिंसेस मेल नहीं है, प्रिंसेस फीमेल है ना. तो प्रिंसेस अगर फीमेल है तो क्या इससे कौन से जेंडर का पता चल रहा है? प्रिंसेस वर्ड से फेमिनिन जेंडर का ना. प्रिंसेस गर्ल है तो प्रिंसेस से हमें फेमिनिन जेंडर का पता चल रहा है. द मेयर गैलोप थ्रू द नाइट. अब हॉर्स जो होता है वो हॉर्स यानी कि मेल हॉर्स, लेकिन जब फीमेल हॉर्स की बात होती है तो उसको क्या कहते हैं? मेयर. तो मेयर गैलोप थ्रू द नाइट. फिर ग्रैंड मदर पुलिस वुमन, प्रिंसेस एंड मेयर बिलोंग टू शी ग्रुप वर्ड्स. तो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे ग्रैंड मदर हो गया दादी माँ, और पुलिस वुमन हो गया जो महिला पुलिसकर्मी, प्रिंसेस राजकुमारी और मेयर. ये सारे वर्ड से हमारे माइंड में ये बात क्लियर हो जाती है कि किसकी बात हो रही है, किसी लेडी या फीमेल की बात हो रही है. तो ये सारे वर्ड्स हमें क्या क्या बोलेंगे इन वर्ड्स को? शी ग्रुप वर्ड्स. और ये सारे लोग जो है किस में आएंगे? फेमिनिन जेंडर में आएंगे. फिर कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर. मैम आपकी आवाज दो दो आ रही है. मैम आपकी आवाज दो दो आ रही है सबको. नो मैम अभी भी अभी भी आ रही है. नो मैम अब नहीं आ रही है. बेटा बोला कभी कभी नेटवर्क, हाँ कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है. और अभी मौसम भी थोड़ा सा वैसा हो रहा ना, रेनी सा, तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो. आप लोग कोशिश किया करिए. हाँ मैम आपकी पिक्चर नहीं आ रही. बताया ना बेटा कि नेटवर्क खराब हो जाता है जब थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो जाता है. तो कोशिश किया करिए कि अक्सर आप लोग ऐसी जगह पर बैठे जो थोड़ा ऊपर की तरफ, या तो टेरेस पर हो या तो थोड़ा खुला हो, जहाँ पे नेटवर्क आता हो घर. और वैसे फिलहाल तो अगर मौसम खराब है तो नेटवर्क का कुछ किया नहीं जा सकता. स्टार्ट करते हैं. आपको मैंने बताया मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर. अब कौन सा जेंडर है? कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर. कॉमन जेंडर क्या है? दे आर आवर टीचर्स. ये हमारे टीचर्स हैं. तो टीचर किसमें आ जाएगा? कॉमन जेंडर में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि टीचर्स में मेल फीमेल बोथ आ जाते हैं ना. टीचर्स से ये नहीं पता चल रहा कि आप किसी महिला की बात कर रहे हैं या पुरुष की बात कर रहे हैं. आपने बोला क्या? दे आर आवर टीचर्स. ये हमारे टीचर्स हैं. तो टीचर्स में वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, है ना. तो ये कॉमन जेंडर में आएगा. कॉमन जेंडर का मतलब ही यही होता है कि मेल फीमेल दोनों, किसी कुछ पता नहीं चलेगा. फिर आर कजिन्स आर कमिंग टू स्टे ओवर फॉर अ वीक. हमारे जो कजिन्स हैं वो एक हफ्ते के लिए रहने आ रहे हैं. तो कजिन्स वर्ड में आपको पता चल रहा है कि शी वर्ड है या ही वर्ड है? नहीं पता चल रहा ना. कजिन्स में तो कोई भी हो सकता है,
बॉय गर्ल कोई भी होता है कजन्स, तो ये भी कॉमन जेंडर में आएगा। कॉमन का मतलब ही होता है सामान, सामान्य में वही वर्ड्स आएंगे जो सामान्य तौर पर बोले जाते हैं, जिनसे कुछ स्पेसिफिक जेंडर का पता नहीं चलता है। ध्यान से सुनना है तभी समझ में आएगा। तो आवर नेबर्स हैव अ फ्रेंडली डॉग। आवर नेबर्स, नेबर्स यानी कि पड़ोसी। अब नेबर वर्ड से ही और शी ग्रुप का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। नेबर्स तो कोई भी हो सकता है ना, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़का दोनों हो सकते हैं, या कुछ भी मैस्कुलिन फेमिनिन हो सकते हैं, या सिर्फ मैस्कुलिन हो सकते हैं, या सिर्फ फेमिनिन हो सकते हैं। तो जिन वर्ड से ये पता ना चले कि शी ग्रुप के हैं या ही ग्रुप के हैं, तो वो कॉमन नाउन में आ जाते हैं। लेकिन बात हो रही होगी किसी लिविंग थिंग की ही। तो आवर नेबर्स हैव अ फ्रेंडली डॉग, हमारे नेबर्स के पास बहुत ही फ्रेंडली डॉग है। फिर नेक्स्ट क्या है, द बेबी स्माइल स्वीटली। बेबी, हमें बेबी बोला है, कुछ और नहीं बोला ना, बॉय या गर्ल नहीं बोल रहा, द बेबी। तो बेबी से भी हमें पता नहीं चल रहा है कि हम बेबी बॉय की बात कर रहे हैं, बेबी गर्ल की। ये बेबी वर्ड है, ये कॉमन नाउन, सॉरी कॉमन जेंडर में आ जाएगा। ठीक, तो द बेबी स्माइल स्वीटली, बेबी बहुत स्वीटली स्माइल कर रहा है। द वर्ड इन ब्लू, हाँ, तो ये सारे जो वर्ड्स थे, जैसे नेबर हो गया, बेबी हो गया, कजिन्स हो गया, टीचर्स हो गया, ये सारे से कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल की बात हो रही है। तो ये सारे किस में आएंगे, आयरन कैन बी मेल और फीमेल, आर सेड टू बी वन ऑफ द कॉमन जेंडर। तो ये सारे वर्ड्स कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। ठीक, अब न्यूट्रल जेंडर क्या है, देयर इज अ ब्यूटिफुल रेनबो इन द स्काई, बहुत सुंदर सा रेनबो है स्काई में। तो रेनबो कोई लिविंग थिंग नहीं है ना, रेनबो तो कोई जीता जाता ना इंसान है ना जानवर है, तो रेनबो को हम लोग न्यूट्रल जेंडर में देखेंगे। वी हैव अ ह्यूज पार्क नियर आवर हाउस, तो हमारे हाउस के पास एक बहुत बड़ा सा पार्क है। तो हाउस और पार्क दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगी, न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कार, कार के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो कार किस में आ जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कार नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज है, कार के अंदर जीवन नहीं होता है। आई लव कलेक्टिंग स्टैम्प्स, स्टैम्प जो होते हैं ना, जो चिपकाने वाले स्टैम्प होते हैं, तो आई लव कलेक्टिंग स्टैम्प, तो स्टैम्प भी एक निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये भी न्यूट्रल जेंडर में आ जाए। नाउंस व्हिच आर यूजली यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल हियर मींस नाइदर मेल और नॉर फीमेल, ना तो नॉर ना तो मेल है ना ही तो फीमेल। जो जिन नाउन से ये पता चले ना पता चले कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो किस में आ जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, पोजेसिव नाउन, पेज नंबर 16 पर आइए। अब आ गए, यस मैम, तो पेज नंबर 16 पर देखिए, पोजेसिव नाउंस। अब नाउंस दैट शो ओनरशिप और पोजीशन आर कॉल्ड पोजेसिव नाउंस। ऐसे नाउन जो कि क्या करते हैं, ओनरशिप, ओनरशिप मतलब किसी का दावा, किसी का मतलब मालिक किसी को बताते हैं उस चीज का, तो वो कौन से क्या जाते हैं, कौन से नाउन, पोजेसिव नाउन, या फिर किसी की पोजीशन बताते हैं, किसी की स्थिति बताते हैं, तो वो नाउन पोजेसिव नाउन में आ जाते हैं। पोजेसिव से ये पता चल रहा है ना, पोजीशन से मैच कर रहा है, तो किसी की स्थिति या किसी की ओनरशिप, ओनरशिप यानी मालिक बताते हैं किसी को, तो वो नाउन पोजेसिव नाउन में आते हैं।
जैसे किसी, जैसे हमने बोल दिया ईशा की ड्रेस, तो ईशा की ड्रेस है यानी कि उस ड्रेस का मालिक कौन है, ईशा है ना, तो इससे पता चल रहा है ईशा की ड्रेस, तो इससे पता चल रहा है कि हम किसी ईशा के ओनरशिप, किसी उसकी सामान लेकर ओनरशिप की बात कर रहे हैं, ईशा की ड्रेस को लेकर ओनरशिप की बात कर रहे हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, ईशा की ड्रेस एपोस्ट्रोफी एस, ईशाज ड्रेस, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है इससे पता चलेगा कि ईशा की ड्रेस है ना। तो अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो ये पोजेसिव नाउन का एग्जांपल हो जाएगा। जहां पे हमने एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा दिया, समझ जाइए कि वहां पे ओनरशिप की बात हो रही है और वहां पे कौन सा नाउन आ रहा है, पोजेसिव नाउन आ रहा है। फिर जैसे हमने बोल दिया डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर की सलाह, तो सलाह किसकी है, डॉक्टर की है ना, yes, हम कैसे लिखेंगे, डॉक्टर्स एडवाइस ना, ये लिखेंगे ना डॉक्टर्स एडवाइस। फिर अब जैसे हमने बोला हाँ, तो बताइए कि साबिया की बुक, तो साबिया की बुक के लिए क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे पोजेसिव नाउन में, हाँ तो साबिया बुक, हाँ तो नाम की जो पहचान होती है वो क्या होता है, अपोस्ट्रोफी एस। अगर ये लग गया है कहीं पर तो ये समझ जाइए कि उसके ओनरशिप की बात हो रही है, चाहे वो डॉक्टर की एडवाइस हो, ईशा की ड्रेस हो या साव्या की बुक। ठीक, यस मैम। फिर we change a singular noun that does not end with s, not a possessive noun, by adding the apostrophe minus s to the noun. Remember that you must write the noun first, then add the apostrophe. जैसे ये हो गया कि जिस नाउन के एंड में एस आ रहा हो, जैसे शिवांश, या फिर ले लेते हैं पारस, ठीक, जैसे पारस लिखा है हमने, तो एच लगा पारस, अगर हमने पारस लिखा है तो पारस के लास्ट में क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो अगर आता है तो एपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगेगा, ये बात याद रखनी है, अगर एस आ गया है तो एपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। पारस की बुक, तो क्या लिख देंगे, पारस बुक। ठीक, फिर अगर हमने लिखा जेम्स, जेम्स क्या है लास्ट में, एस आया, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे जेम्स पेन। जिस भी सिंगुलर नाउन के एंड अंत में एस आता है वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगी, एस नहीं लगेगा। जैसे पेरेंट्स, पेरेंट्स डे कैसे लिखते हैं,
लेते हैं। यस मैम। फिर अगर हमने बोलना है बर्ड्स, बर्ड के अंत में क्या आ रहा है? बर्ड्स की चॉपिंग। तो बर्ड्स के एंड में क्या आया है? समझ में आ गया? पोजेसिव नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन अगर सिंगुलर प्लूरल नाउन के आगे एस पहले से आ गया है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगी, एस नहीं लगेगा। आगे समझ में चेंज अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंडिंग विद एस टू अ पोजेसिव नाउन बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस ऑफ द नाउन वी नीड नॉट एड एस। फिर जैसे जैसे प्लूरल जो नाउन है जिसमें लास्ट में एस नहीं आता, ठीक, लेकिन अगर हमने लिखा मेन तो मेन में एस आया, लेकिन ये है प्लूरल ही है ना, सिंगुलर तो है नहीं। मेन मतलब आदमियों होता है ना, तो मेन मेंस क्लोथ, मेंस क्लोथ के लिए क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर क्लोथ, ठीक। ऐसे ही कुछ प्लूरल ऐसे वर्ड होते हैं जिनके एंड में अगर एस नहीं आ रहा है तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर आगे बढ़ कर लेते हैं, ठीक। तो आपका होता है सिंगुलर और सॉरी पोजेसिव नाउन। तो पोजेसिव नाउन का एंड ऐसे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। ओके यस मैम।